फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप तो सो लॉन्ग, फाइनली आई एम बैक। एंड आज का वीडियो है कि ब्रशेस के साथ ब्रश कैसे करते हैं। मीन्स बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है ब्रश करने में। स्टार्टिंग में मेरे को भी होता था, जब ब्रशेस लगाए थे तो मतलब आपको हैबिट नहीं होती है रोज कैसे नॉर्मल दांत होते हैं। जब आप ब्रशेस लगा लेते हैं तो आपके मुंह में ऐसा लगता है कुछ है, तो उसके साथ आपको ब्रश करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे आदत हो जाती है तो सही हो जाते हैं। नाउ आप लोग देख सकते हैं कि मेरे दांत इसको हो गए मैक्सिमम 22 ईयर के अराउंड हो गया है। अगले नेक्स्ट मंथ में मेरे 2 साल हो जाएंगे ब्रशेस को लगा के। तो देखिए, फिर भी मेरे दांत सही है, बस साफ दिख रहे हैं ना। बहुत सारे लोग अच्छे से अपने दांतों की केयर नहीं करते तो उसपे येलो कलर के से लेयर्स के जैसे जमी हो जाते हैं। तो दांतों को आप अपने सही से साफ कीजिए, मीन्स एंड ब्रश कैसे करते हैं चलिए वो देखते हैं। स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा होता था, दांत अच्छे से साफ नहीं होते थे, तो सर बोले थे मतलब वैसे नॉर्मली ब्रश जो घर पे आप रेगुलर यूज़ करते हो उसी ब्रश से दांत साफ करते हैं। लेकिन जब एक बारी दो बारी गई डॉक्टर के पास तो उनको लगा कि दांत सही से साफ नहीं होते, तो वो एक ब्रश बताए थे, मैं आपको ऊपर दिखा दूँगी। तो लेकिन वो मैं बहुत जगह सर्च की, बहुत सारे मेडिकल पे जाके देखी, मतलब मेरे आसपास जितने मेडिकल है मैंने सब जगह उसको पूछा, कहीं भी मतलब वो ब्रश अवेलेबल नहीं था। अगर आप मीन्स बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं शायद तभी वो आपको मिल सकता है, वैसे ज़्यादा उसका यूज कोई करता नहीं है तो जल्दी मिलता नहीं है। और मुझे नहीं मिला, वो ब्रश मिला ही नहीं। फिर भी ये अभी अभी थोड़ी आदत होगी तो ये जो नॉर्मल ब्रश है उससे अच्छे से ब्रश हो जाता है, मतलब अच्छे से दांत साफ हो जाते हैं, तो फिर मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी बाद में फिर। और स्टार्टिंग में मतलब होता था कि दांत साफ नहीं होते हैं तो पूरे 2 साल तक ऐसे रहेंगे दांतों पे ब्रशेस, तो पूरे दांत गंदे हो जाएंगे, टेंशन होता था। बट आप मतलब टाइम टाइम पे जब भी खाना खाएं या फिर जब भी आप कुछ भी खाएं, अगर आपको लगे कि आपके दांत गंदे हैं, आपके दांतों में कुछ फंसा है, वैसे तो अगर आपके दांतों में कुछ फंसा रहता है तो आपका खुद ही मतलब दिमाग बार बार उधरी जाता है कि यहाँ पे कुछ फंसा है, या फिर आपकी जीभ बार बार उधरी जाती है कि यहाँ पे कुछ फंसा है। तो आप अपने दांतों को जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक आपको खुद ही नहीं मतलब चैन मिलता है ऐसा। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने मतलब जब भी खाना खाएं या फिर जब भी कुछ भी खाएं तो आप अपने दांतों को ब्रश कर लें। बस डॉक्टर बोलते हैं 2 ही बार ब्रश करने के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी आप दांतों मतलब कुछ भी खाएं, अगर आपको लगे कि आपके दांत गंदे हैं तो आप ब्रश कर लें तो अच्छा रहेगा, आपके दांत गंदे नहीं होंगे। चलिए ब्रश कैसे करते हैं देखते हैं। ऐसे सब लोग यूज़ करते हैं ये है ब्रश, बट मैंने थोड़ा अलग लिया है। ये थोड़ा कैसा है, जिग जैक वाला है, थोड़ा ब्रश ऊपर नीचे इसका ये जो है लेयर्स हैं ऊपर नीचे हैं, एंड कोलगेट है, एंड ये मिरर है। मिरर जो बाथरूम में मिरर है उसमें ब्रश करने पे अच्छे से आपको प्रॉपर दिखता नहीं है, तो ये पर्सनली मैंने मिरर अपने दांत साफ करने के लिए लिए हैं। एंड ये देखिए, आपके दांतों में कुछ फंस जाए तो उसको साफ करने के लिए मतलब अगर फिर भी नहीं साफ कर होते हैं तो ये देखिए, यहाँ मुंबई में तो नीम के पेड़ जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये क्या है, ये अगरबत्ती की लकड़ी है, उससे मैं थोड़ा बहुत मतलब जो भी कहीं मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है तब इसका यूज़ करती हूँ, वैसे इसका यूज़ ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मसूड़े में थोड़ी सूजन होती है, मतलब चारों तरफ से खींचे रहते हैं, अगर आपके ये मसूड़ों पे लग जाता है तो ब्लडिंग होने लगती है, तो आप इसका यूज़ ना करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम होती है तो आपको इसका यूज़ करना ही पड़ता है, मतलब कुछ भी दांत में अंदर फंस गया निकल ही नहीं रहा है, तो क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, तब इसका यूज़ करते हैं। एंड मिरर एंड ये लेट्स सी, मैं मॉर्निंग में ब्रश की हूँ जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए, मैं सेकेंड टाइम ब्रश कर रही हूँ। देखिए ब्रश कैसे करते हैं, आपका ऐसा ज़्यादा ऊपर नीचे आप पूरा अच्छे से कोनों कोनों की सफाई करना है। Okay.
अभी जस्ट ब्रश करके हुआ एंड देखिए दांत मतलब बिल्कुल साफ है। पहले से ही साफ थे, मैंने ब्रश पहले ही मॉर्निंग में किया था एंड ये तो आप लोग को दिखाने के लिए था। एंड कोई भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब आप ब्रश करने में मतलब आपको मतलब आप ऐसा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं ब्रश करने में, कुछ ऐसा आपके फेस मतलब अजीब अलग लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा कुछ मंथ हो जाते हैं तो फिर आपको हैबिट हो जाती है उस चीज़ की, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड अगर मान लीजिए अगर फिर भी आपके दांत मतलब ज़्यादा गंदे हैं या फिर मतलब आपके दांत साफ नहीं हैं, मतलब आपके दांतों पे काले पीले कुछ भी पड़े हैं, तो जब ये ब्रशेस निकालेंगे इसके बाद वो क्लीनिंग भी करते हैं टीथ को बहुत अच्छे से, दांतों को बहुत अच्छे से साफ करके ही आपको एकदम पूरे प्रॉपर तरीके से सही करके ही देंगे, तो आप उस चीज़ का टेंशन मत लीजिए, आपके दांत बिल्कुल सही करके मिलेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ गुड डे।